प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार फिर आपका हमारी क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारी एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा की छठे अध्याय को पढ़ रहे हैं और छठे अध्याय की जो दूसरी प्रश्नावली है 6.2 उसका सातवां प्रश्न आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रमेय 6.1 अर्थात आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो तीसरी भुजा होगी उसको समद्विभाजित करेगी। तो पहले हम इसका एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किसी भुजा के एक मध्य बिंदु से, यानी ये इसका मध्य बिंदु है, इससे इसके समांतर कोई रेखा खींचे डी ई, तो ये इसको समद्विभाजित करती है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अर्थात ए डी बराबर डी बी हुआ। सिद्ध करना है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, यह हमें सिद्ध करना है। वही देखते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करके प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, यानी डी ई है वो समांतर है बी सी के किस में, ये दिया है हमें पहले ही दे चुका प्रश्न। तो प्रमेय 6.1 या जिसको हम बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, क्या हो एडी बटे में डीबी, एडी बटे में डीबी बराबर एई बटे में ईसी। अब देखो एडी बटे में डीबी है, या तो हम एडी को डीबी लिखते हैं या डीबी को एडी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए डी बटे में ए डी बराबर ए ई बटे में ई सी, बिकॉज ए डी बराबर डी वी दिया हुआ है, इसलिए इसको ले सकते हैं। इससे कट काट देंगे तो क्या जाएगा, एक बराबर ए ई बटे में ई सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए ई बराबर ई सी, अर्थात ए और ई सी बराबर हो गई। जब ये बराबर हैं तो ई अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना था, इति सिद्ध, बिल्कुल आसान है। अगला यानी आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ही बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, यानी हम इसको ले लिया किसी को ले लें मध्य बिंदु माने, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, इसको डी मान लो और इसको ई मान लो, तो इनको मिलाने वाली रेखा यानी जो डी होगी वो बीसी के समांतर होगी। प्रमाण सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः
डी और ई है, यानी डी और ई इनके मध्य बिंदु है। डी अब आगे हम देखते हैं, इसका सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? डी ई समांतर है बी सी। प्रमाण बिल्कुल आसान है, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई दोनों क्या है, इनके मध्य बिंदु हैं, अर्थात ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, क्योंकि डी और ई बिंदु ए सी और ए बी के मध्य बिंदु हैं, तो इनका रेशियो समान हो गया। और रेशियो समान है तो बीपीटी या प्रमेय 6.2 के विलोम से, जो 6.2 है वह क्या है, 6.1 का विलोम है। और 6.1 का विलोम क्या है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का रेशियो समान है तो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमने जो हमारी प्रमेय थी उसमें पढ़ा था, अर्थात क्या हो गया, डी ई समांतर बी सी। इति सिद्धम, हमें यही सिद्ध करना था। तो आगे इस एक्सरसाइज में दो प्रश्न और बचे हैं जिनको हम कल या अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।